पंचन मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट जनपद की से आ रही है। आपको बता दें कि मानिकपुर थाने के एक सिपाही पर लगा अवैध वसूली का आरोप। अवैध वसूली करने में माहिर है यह सिपाही। नगर और क्षेत्र के लोग इस सिपाही के कारनामों से हुए परेशान। ईमानदार पुलिस अधीक्षक की साख में लगा रहा है बट्टा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी राम विजय पुत्र राम स्वयंवर ने बताया कि कुछ दिनों पहले मेरे घर में मेहमान आए थे, जिनके लिए मैं अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से मानिकपुर इंदिरा नगर स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान से 15 क्वार्टर दारू खरीदकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में मानिकपुर थाने का सिपाही पंकज परिहार अपने एक अन्य सिपाही के साथ सिविल ड्रेस में आकर मुझे पकड़ लिया और मोटरसाइकिल सहित हम दोनों लोगों को थाने ले गए और वहां कहा कि तुम लोग 15,000 रुपए दो, तुरंत चुपचाप घर चले जाना। तब प्रार्थी ने कहा कि इतनी जल्दी मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो कुछ समय बाद पंकज परिहार द्वारा मेरे साथी को छोड़ दिया और कहा कि इसके घर में बता देना कि यह थाने में बंद है, अगर छुड़ाना हो तो जल्दी ही रुपये लेकर जाएं। इसके बाद मुझे रात भर लॉकअप में बंद रखा। सुबह मेरी पत्नी मुझसे थाने में मिलने आई तो मैंने कहा कि जाओ बाजार से या कहीं से भी लेकर आओ। तब मेरी पत्नी ने किसी तरह 10,000 रुपये का इंतजाम कर थाने के कारखास पंकज परिहार को दे दिया और कहा कि तुम घर जाओ, कुछ देर बाद तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। लेकिन 10,000 रुपये लेने के बाद भी थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसका मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। पीड़ित ने ईमानदार पुलिस अधीक्षक से उक्त अवैध वसूली करने वाले सिपाही के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उपरोक्त समाचार के बारे में जब थाना प्रभारी मानिकपुर सुभाष चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं, कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है। लाइव टीवी समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट चित्रकूट। क्या मामला था आपका? सर, घर के लिए 15 क्वार्टर लेके जा रहा था देसी शराब, एका से लिया था मैंने। दो लोग थे, एक लड़का मेरे पीछे लेके बैठा था, बाइक में था, 15 क्वार्टर लेके जा रहा था। कहाँ से लिए थे? अपना एक ठिकाने पे जो ठेका नहीं, विनोद दुबे जी के यहाँ से, वहाँ से 15 क्वार्टर लिया। सादे ड्रेस में दो पुलिस वाले गए और मुझे पकड़े, वहाँ से थाने लेके आए। थाने पे मुझे रोके अंदर, पहले डायरेक्ट मुझे अंदर लेके नहीं गए, बाजू में रोके। 15,000 रुपये मेरे से मांगे। कौन मांग रहे? पंकज। 15,000 रुपये दो जाओ। मैंने उस टाइम पे नहीं दिया, फिर मुझे रात भर अंदर हालात में बंद करके रखे। सुबह में भी मेरा मोबाइल वगैरह सब, मुझे किसी से बात नहीं करने दिए, मोबाइल वगैरह सब ले लिए। सुबह में फिर मेरी बीबी आई, 10,000 सोनी के आज मैंने पैसा दिलवाया, बोला वहां से ले लो और जाके पंकज को दिया। फिर मुझे मेरे नाम पे केस भी किया, पेपरबाजी भी हुई और पब्लिक ऐप में भी डाला और 10,000 लेने के बाद फिर मुझे छोड़ा। मतलब केस भी हो गया था ना? जी। कितना कितना दारू लगाई? 15 क्वार्टर लगा। 10,000 पैसा लिया। कौन लिया? पंकज लिया। पंकज क्या है? पंकज परिहार। क्या है? कौन है? पुलिस वाला सर, अभी तो मैं जानता नहीं ज्यादा उसको, पुलिस वाला ये जानता हूँ। क्या नाम है? राम विजय पुत्र राम स्वयंवर, रामपुर कल्याण। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।